हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहने वाली है हिंदी विषय की संधि टॉपिक के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्वर संधि, और स्वर संधि के हमने भेद कर लिए हैं। पहला भेद हमने दीर्घ संधि कर लिया है, दूसरा गुण संधि कर लिया है, तीसरा वृद्धि संधि कर लिया है, चौथा यण संधि और पाँचवा अयादि संधि। ये पाँचों टॉपिक हमने कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं इन्हीं पांचों का टेस्ट। टेस्ट मतलब हम देखेंगे कि पेपर में, एग्जाम में किस प्रकार के पैटर्न पर प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये पांचों वीडियो देख रखी है तभी ये वीडियो आपके काम आएगी, अदरवाइज ये वीडियो आपके काम नहीं आने वाली है। तो आप ध्यान दीजिए बस भी किस पैटर्न पर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पैटर्न ये है संधि की पहचान करना। दूसरा जो पैटर्न है संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद करना। और तीसरा जो पैटर्न है संधि करना, यानी आपको तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भी संधि की पहचान करना, तो आपके सामने ये पांच एग्जाम्पल दिए हमें, तो कैसे पहचान करोगे? अब आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले तो आपको संधि के नाम पता होना चाहिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आपने पांचों वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। देखिए, पहले पहचान देखो, जो दीर्घ संधि है उसमें जो मात्रा होगी वो बड़ी मात्रा होगी। चाहे तो इस तरह से डंडा लगाओ, चाहे डंडा लगा के ये मात्रा लगी, बड़ी मात्रा होगी, छोटी वाली मात्रा नहीं होगी। मतलब छोटी वाली मात्रा का मतलब जैसे ये वाली मात्रा, ये मात्रा नहीं लगी होगी, बड़ी मात्रा होगी दीर्घ संधि में, ठीक है। और गुण संधि की बात करें, गुण संधि बड़ी ही सिंपल है, ऊपर एक सिंगल मात्रा दी होगी। दीर्घ संधि में कौन सी होगी, बड़ी मात्रा ये वाली या ये वाली? ये दोनों मात्रा दिख जाए दीर्घ संधि है, ये सिंगल मात्रा दिख जाए गुण संधि है। वृद्धि संधि, अब देखो सिंगल मात्रा में ये भी हो सकता है, सिंगल मात्रा ये दिख जाए एक डंडा, और एक डंडा बिना विदाउट डंडे के भी दिख जाए ये वाली, ठीक है। और वृद्धि संधि में आपको डबल मात्रा दिखाई देगी, डबल मात्रा ये वाली, और यहाँ डंडा लगा के डबल मात्रा। यण संधि में आपको ये वह और रे से तुरंत पहले जो है हलंत वाला, यानी हाफ वर्ण दिखाई देगा, हाफ हलंत वाला, और इससे पहले ये वह और रे, ये वह और रे से पहले फुल वर्ण दिखाई देगा। ऊपर वाले में तो कौन सा है, हाफ है, इसमें हाफ का मतलब हलंत वाला, और यहाँ पर इसमें कौन सा दिखाई देगा आपको, फुल वर्ण दिखाई देगा, यानी बिना हलंत वाला, या स्वर दिखाई दे देगा क्योंकि स्वर हलंत में नहीं हो सकता। आप पहचान देखिए, दीर्घ संधि की पहचान क्या है, बड़ी मात्रा। दीर्घ संधि की पहचान बड़ी मात्रा, ये देखिए ये वाला, ठीक है। गुण संधि की पहचान क्या है, सिंगल मात्रा, चाहे डंडे के साथ है चाहे बिना डंडे के साथ है, ठीक है। वृद्धि संधि की पहचान क्या है, वृद्धि संधि की पहचान क्या है, डबल मात्रा डंडे के साथ है सिंपल। यण संधि की पहचान क्या है, यण संधि की पहचान आपको ये वह रे से पहले हाफ दिया होगा, जो भी व्यंजन दिया होगा, और अयादि संधि से पहले क्या होगा, अगर व्यंजन दिया है तो भी फुल, और स्वर तो फुल होता ही है। अब यहाँ देखिए रविंदर, क्या आपको ये बड़ी मात्रा दिखाई दे रही है? तो बड़ी मात्रा किस में होती है, कौन सी संधि होगी ये बड़ी मात्रा, सबसे पहली संधि दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ संधि में देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये वाली दीर्घ संधि में बड़ी वाली मात्रा। तो आपका इसका जो आंसर होगा दीर्घ संधि। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, इन पांचों में से आप ये करिए ना। अब यहां देखो, क्या आपको सिंगल मात्रा दिखाई दे रही है, सिंगल मात्रा दिखाई दे रही है, देखिए यहां पर सिंगल मात्रा किस में होती है, गुण संधि में। देखो गुण संधि में कौन सी मात्रा होगी, सिंगल मात्रा होगी, तो सिंगल मात्रा गुण संधि में है, तो सिंगल मात्रा गुण संधि हो जाएगी। हाँ, कुछ अपवाद है, वो अलग मैटर है,
वो मैंने आपको वीडियोज़ में करवाए हुए हैं, अगर आपने वीडियो देखी है तो। यहाँ देखो डबल मात्रा, डबल मात्रा के लिए आपको यहाँ मैंने बताया हुआ है। देखो डबल मात्रा की सीमा वृद्धि ही संधि में, वृद्धि में वृद्धि होगी ना मात्रा की, यानी गुण में तो एक मात्रा थी, वृद्धि में मात्राओं की वृद्धि होगी दो मात्रा होगी। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, या परिभाषा अगर दो मात्रा हो जाएगी तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आपको, ये से तुरंत पहले व्यंजन देखो हाफ है, तो अगर ये से पहले, ये वह रह से पहले अगर हाफ व्यंजन है, हाफ का मतलब हलंत वाला, ये वह रह से पहले हाफ व्यंजन है, तो आप समझ जाओ कौन सी संधि, यण संधि, यण संधि। और यहाँ देखिए ये से पहले ही देखना आपने, ये वह और रह, यहाँ ये से पहले देखो फुल व्यंजन है, यस स्वर लगा हुआ है, ठीक है, हाफ नहीं है, कंप्लीट है, फुल का मतलब यहाँ कंप्लीट से ले सकते हो, ठीक है, ये ट्रिक समझ के चल सकते हो आप, ठीक है, ये आपके पास फुल है हाफ नहीं है, ठीक है। तो फुल किस में आता है, अयादि संधि में, और वैसे भी इनके नाम के आगे देख सकते हो, ये के पहले यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, पर ये एक ये के पीछे कुछ लिखा हुआ है, तो जिसमें लिखा हुआ है वो फुल है और जिसमें नहीं लिखा वो हाफ है, वैसे आप याद रख लोगे, ये पहचान है, ठीक है, अयाति संधि, पांचों की पहचान होगी। कुछ एग्जाम्पल दे के देखता हूँ आपको, आप बताइए, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ आपको बताना है। हाँ जी, आपको बताना है भावुक, भावुक में बताइए कौन सी संधि, भावुक में देखिए पहचान, वह दिख रहा है वह, ये वह रहे, ये वाला, ये वह रहे, ये वह रहे, तो ये आपको यहाँ पर वह दिख रहा है, वह दिख रहा है, अब आपको ये देखना है कि वह से पहले हाफ है या फुल है, तो आपको कहीं हाफ दिखाई दे रहा है भी, आधा हलंत वाला अक्षर नहीं दिखाई दे रहा ना, फुल ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, फुल दिखाई दे रहा है, या भी स्वर लगा हुआ है, स्वर लगा हो तो भी फुल में माना जाएगा, क्योंकि स्वर हाफ नहीं होता कभी भी, व्यंजन हाफ हो सकता है, हलंत वाला हो सकता है, स्वर कभी हलंत वाला नहीं होगा, कभी ए हलंत देखा है, आ हलंत देखा, नहीं होगा, तो वैसे पहले यहाँ आपको हाफ दिखाई नहीं दे रहा तो फुल दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अयादि संधि, कौन सा संधि हो जाएगी इसमें, अयादि संधि, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और बताइए, हाँ मैंने आपको दिया जैसे, आपको अनवे, अनवे दिया, इसमें बताइए अनवे में क्या गौर करोगे, तो गौर से देखो वह दिख रहा है आपको वह, और वह से पहले क्या है, व्यंजन देखो हाफ है, हाफ है तो हाफ किस में होता है, ये रहा यण संधि में क्या होता है, हाफ होता है यण में, यण के अंदर क्या होगा, हाफ होगा, और इसमें ये वगैरह से पहले यण के अंदर ये वगैरह से पहले हाफ व्यंजन, और अयादि में फुल व्यंजन, और यह स्वर होगा, स्वर खुद ही फुल होता है, तो यहाँ आपने क्या दिखाई दे रहा है, हाफ दिखाई दे रहा है, हाफ किस में होगा, यण संधि में, यानी कौन सी संधि है, ये यण संधि है, समझ में आ रहा है आपको। कुछ एग्जाम्पल और करें, एक एग्जाम्पल और करते हैं, हाँ भी हाँ बताइए, एक शब्द लिखा हुआ है गुर्वेश्वर्य, गुर्वेश्वर्य, गुर्वेश्वर्य में आप बताओ कौन सी संधि है, अब स्टूडेंट क्या करेगा गलती, फटाफट दे, वे को देखा, वे के पहले अच्छा हाफ नहीं दिखाई दे रहा, हाफ नहीं दिखाई दे रहा, तो अपने कर देते हैं सर हाफ नहीं दिखा रहा था, ये अयादि संधि है, और ये करते ही मान लो क्या होगा, ये मान के लो कन्फर्म, ये लो जी गलत हो गया आपको, सिर्फ आपने तो अभी बताया था कि वह से पहले क्या होगा, हाफ दिखे, हाफ नहीं दिख रहा हमें तो अयादि होगा, तो गौर से देखो इसके ऊपर रे लगा हुआ, ये वाला ये रे हाफ होता है, ये पहले होता है, इस शब्द को तोड़ के देखो, इस शब्द को तोड़ोगे ना तो ये बनेगा, ये रे हाफ यहाँ बनेगा गुर्वे शवरे, गुर्वे शवरे,
अब ये जो है ना, अब गौर से वैसे पहले देखो, अब वैसे पहले आप देखोगे ना तो वैसे पहले रे हाफ हो गया, तो ये वाले से पहले हाफ हो गया, तो यण होना था। कौन सी संधि होनी थी यहाँ पर? यण संधि होनी थी, और आपने क्या कर दिया? अयादि कर दिया। तो जो सही उत्तर है ना इसका, सही उत्तर है यण संधि। समझ रहे हो? ये सही है। तो गुरवेश्वरे जो है उसको ध्यान से टुकड़े करके, ऐसी जल्दबाजी में नहीं करना है। एग्जाम वाला ऐसे देगा आपको भ्रमित करने के लिए, आपके हाथों से गलती करवाएगा। समझ रहे हो? चलिए आप बाकी एग्जाम्पल करके देखना, और आपकी जो भी बुक में आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये फर्स्ट टाइप था संधि की पहचान करना। सेकंड है संधि विच्छेद करना। तो संधि विच्छेद करते हैं, जैसे जैसे आपको दे दिया पावक। चलिए पहले तो बताइए संधि कौन सी है। नाम से स्पष्ट है वह, देखो गौर से, वह से पहले फुल आ रहा है तो फुल आ रहा है, वैसे ये वह से पहले फुल आ रहा है, ये वगैरह से पहले फुल आ रहे, तो अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि। आपको पहचानोगी। अब अयादि संधि में आपको पता है यहाँ पर आव बन रहा है, और आव कब बनता है? अगर आपने ये संधि पढ़ के आए हो, देखो पुरानी वीडियो पढ़ के आए हो तभी ये पढ़ना, ये आज वाली वीडियो नहीं, तो वरना आपको नहीं समझ में आएगी। तो हमें पता था कि अगर अव के बाद, अगर भिन्न स्वर आ जाए, अव के बाद, ये रूल है याद याद होना चाहिए आपको, अव के बाद अगर क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो क्या हो जाता है? भी याद है आपको ओ और औ, ये डबल मात्रा वाला औ, ठीक है भी। औ के बाद अगर आपके पास क्या जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो इसका हो जाता है आओ। याद है? तो ये आओ करना है। तो आओ करने के लिए अपने को यहाँ पर क्या लगाना है? पै में दो मात्रा, क्योंकि आओ चाहिए ना, आओ नहीं चाहिए, आओ चाहिए तो एक मात्रा लगा देते हैं, आओ चाहिए। तो पो में दो मात्रा पो, और प्लस भिन्न स्वर अक, तो ये जोड़ के देख लो ये बनेगा। मैंने ये समझाया था, याद करो, ये पऊ कैसे बने, प हलंत प्लस औ और प्लस ए है, तो औ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आओ। और जब जोड़ेंगे प हलंत में आ जोड़ेंगे तो पा, और वह हलंत में ए जुड़ेगा तो वह पूरा, तो पा वह और ये रख है पावक। तो पुरानी संधि पढ़ के आए हो तभी काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। क्या बुद्धि आपको? संधि विच्छेद करना, अत्यधिक। चलिए करिए अत्यधिक की संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने से पहले पहचान होनी जरूरी है, पहचान करो। गौर से देखो, ये से पहले हाफ तैयार है, तो ये हाफ आता है तो किस में आता है? ये रहा यण संधि में, देखो यण संधि में, देखो ये वेरे से पहले हाफ आ रहा है तो यण संधि है। तो यण संधि का रूल पता है? अगर ई ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये हो जाता है, ऊ के बाद आए तो वह हो जाता है, और ई के बाद आए तो रे हो जाता है, भिन्न स्वर। आपको रूल तो याद होना चाहिए, नहीं तो संधि नहीं कर पाओगे आप, संधि विच्छेद तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। चलिए तो अब आपको इतना पता लग गया रूल, ये यण संधि है, और आप देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये कब होता है? जब ई ई के बाद, रूल अगर याद नहीं है तो याद करो, ई ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ये हलंत बन जाता है। अब आपको रूल पता है तो आप कर पाओगे। अपने को मतलब ई चाहिए, तो ई चाहिए तो हम इसको अत्य को क्या लिख दें, मैं अति लिख दूं इसको, अति अति। और अब आगे क्या लिखें भी, ये कोई भिन्न स्वर है तो इसको ये तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो बनेगा, ये तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये तो बनने वाला है, तो कुछ और लिखा जाएगा। तो इसमें ये वर्ड को अलग कर लो, अति प्लस क्या बनेगा, अधिक। सार्थक शब्द होने चाहिए अति प्लस अधिक। अब इसमें करके देख लो क्या रूल फॉलो हो रहा है, तय हलंत और इसमें क्या स्मॉली और प्लस ए। अब कई बच्चों को ये डाउट हो जाता है, सर हमें पता नहीं कि मात्रा स्मॉल वाली आएगी कि बड़ी आएगी, तो वो तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, अभी और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कहीं जगह ऐसा ना लिखा होता है, छोटी मात्रा है बड़ी मात्रा है, आपको पता होना चाहिए। ई के बाद ए आ रहा है तो ये कौन सी संधि होगी, भी यण संधि होगी, और इसमें कहता है ये में बदल जाएगा। तो अब इसको कंप्लीट करें तो
आप देखिए, हाँ भाई, अब ये तय तो हाफ ही पड़े, ये जो है ना ये ए में जुड़ के क्या बन जाएगा, क्योंकि ये ई है ना वो ये बना है, तो ये जुड़ के ये कंप्लीट ये बन जाएगा। तो इसको बनाओगे कैसे बनाओगे, ए का ए पड़े ये रहा, ये हाफ तय पड़े ये रहा हाफ तय, और ये अपने पास क्या चीज़ है, ये है, ये यहाँ पर लिख दिया, और आगे धिक, ये लोगे अत्यधिक। ठीक है, तो आज की वीडियो बारे बारे में बता रहा हूँ कि आज की वीडियो तभी काम आएगी जब आपने लास्ट हमारी पांच वीडियो देख ली हो, क्योंकि मैंने पांच वीडियो में स्वर संधि के पांचों भेद करवा दिए हैं। आज ये छठी वीडियो है, अब ओनली बताया जा रहा है कि टेस्ट में कैसे, पेपर में कैसे आता है, एग्जाम में कैसे आता है। चलिए एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हाँ भाई, पर्सन है वितेषण, वितेषण, वितेषण। चलिए पर्सन, ये संधि विच्छेद कीजिए। तो वितेषण में पहले देखिए संधि कौन सी है, आपको पहचान तो ये होनी चाहिए संधि कौन सी है। गौर से देखो कितनी मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, मात्रा में वृद्धि होगी तो वृद्धि संधि, वृद्धि भी मात्रा एक सिंगल थी पहले, ये देखो सिंगल मात्रा में वृद्धि होगी, डबल होगी तो मात्रा में वृद्धि होगी, ये शब्द याद रखो वृद्धि संधि है, डबल मात्रा मतलब वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है भी, वृद्धि हो जाती है, याद करो रूल। अगर वृद्धि संधि में क्या था, क्या रूल था वृद्धि संधि का, आपको याद होना चाहिए। अगर मान लो स्वर ए आ के, ए और आ के बाद अगर क्या जे, इसके बाद क्या जे, ए आ के बाद अगर आ जे, क्या चीज़ आ जे, अगर ए आ के बाद अगर अपने पास ए या आई आ जे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, आई हो जाता है बड़े वाला। इसी प्रकार ए आगे बाद ओ आ जाए तो औ हो जाता है, यानी ओ या औ आ जाता है तो क्या हो जाता है, बड़े वाला औ हो जाता है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए कि ये संधि के अंदर है। तो वितेषणा हमारी वृद्धि संधि, तो आपको इतना तो कन्फर्म हो गया, क्या चीज़ कन्फर्म हो गया कि इधर ए और आ आना चाहिए, तो यहाँ वितेषणा में वित्त तो आना चाहिए, वित्त, क्योंकि ए आ गया, प्लस ये बनेगा बड़े वाला बनेगा। तो अब गौर से देखो भी, अगर ये वाला बनेगा ना ये वाला, तो सिर्फ एक ऊपर दो मात्रा आएगी, और ये वाला बनेगा तो दो मात्रा के साथ साथ डंडा भी आएगा, आई बनेगा तो सिर्फ दो मात्रा, और औ बनेगा तो दो मात्रा के साथ डंडा। तो यहाँ कोई दो दो मात्रा के साथ डंडा तो नहीं है, सिर्फ दो मात्रा ही है, तो आई बनना है और बड़े वाले बनना है। तो अब अपने पास यूज इसको, या तो छोटे वाले आई को या इस बड़े वाले को, या तो आपको लिखना है ऐसा छोटे वाला, या फिर आपको लिखना है ऐसा बड़े वाले, बड़ी आई का यूज करना है। अब स्टूडेंट गड़बड़ यही करता है, स्टूडेंट को नहीं पता कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, और ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा कौन सा सही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वाला ऐसा सही होता है, और संधि करेंगे ना, तो मान लो आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी यही आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी यही आएगा, लेकिन गलती है अपने को इन दो शब्दों में देखनी है, और ये प्रैक्टिस है भी, यहाँ पर आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कोई मास्टर कुछ नहीं करने वाला। तो ऐसा शब्द आपको पता होना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला सही है, ये वाला जो नीचे वाला जो है ना ये गलत है, ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। और इसको जोड़ेंगे तो वितेषणा बन जाएगा, वितेषणा, ठीक। अब आपके पास देखो दो पैटर्न के एग्जाम्पल बता दिए, पहला बताया था कि संधि की पहचान करना आना चाहिए आपको, दूसरा संधि करना आना चाहिए, तीसरा संधि विच्छेद करना, सॉरी छद उल्टा कर दिया ना, रुको, हाँ विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया, अब आपको आना चाहिए संधि करना। संधि करना तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, संधि करना तो ईजी है, जैसे आपको मैंने दे दिया एग्जाम्पल, गई प्लस अक, करिए संधि कीजिए, जोड़िए। तो अब इसमें तो आपको वैसे रूल पता होना चाहिए भी, दो मात्रा है, दो मात्रा है, ठीक है, तो गई यानी अपने पास दो मात्रा का मतलब अपने पास ये वाला आई दिया हुआ है, ये वाला दो मात्रा का मतलब ये होता है, और सिंगल मात्रा दिया था ये वाला होता है, और साथ में दो मात्रा के साथ साथ अगर डंडा दे देता तो औ होता है,
और अगर दो मात्रा ही देते सिर्फ, तो देखो यहाँ थोड़ा सा मैं और क्लियर अच्छे से कर देता हूँ, आपको डाउट ना हो। अगर सिर्फ एक मात्रा है तो समझिए ये वाला है, दो मात्राएं दी है तो समझिए ऐ है, ठीक है। एक मात्रा के साथ साथ डंडा दिए है तो समझिए ओ है, दो मात्रा के साथ साथ एक डंडा दिया हुआ तो औ है। तो यहाँ देखिए अपने पास कोई डंडा नहीं है, सिर्फ दो मात्राएं हैं, ये ऐ है, ये कन्फर्म है। और ऐ के बाद अगर ए आ रहा है तो भिन्न स्वर आ रहा है, ए ऐ के बाद अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो ये जो रूल है ना, अब ये संधि कौन सी होगी, अब आप देखो भी ए ऐ के बाद अगर अपने पास क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये सिर्फ अयादि संधि थी, अयादि संधि आपको रूल पता होना चाहिए। ए ऐ के बाद अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो ये किस में है, अयादि संधि में, अयादि संधि में। तो अयादि संधि में आपको पता है कि भी अगर ए ऐ के बाद भिन्न स्वर आएगा, इसका तो बनता है अय और इसका बनता है आय, ठीक है। चला बनाते हैं, बनाते हैं, चलिए मिटा रहा हूँ इसको। अब यहाँ देखो अपने वो दिए गई, ये थोड़ा नीचे करते हैं इसमें, एक मिनट इस टाइप में करते हैं, गई प्लस प्लस क्या दिए, अक दिए, तो इन दोनों को लेके चले, गए हलंत प्लस ऐ, यही है बड़े वाला है ना, ये बड़ा होता है, कहीं दो मात्रा लगा दो आप गड़बड़ मत कर देना, कहीं ऐसे कर दो मात्रा, ये नहीं होता कोई। ऐ और प्लस में क्या जोड़ दें, ए जोड़ दें। तो ऐ के बाद अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो इसका आय बनेगा, आय, ए और आय, आय बनेगा। अब इसको देखो आय इसका बने, इसका ये ध्यान रखिएगा, तो गए हलंत में आ जोड़ दें तो ये तो हो गया गा, और ये हलंत इसके साथ जुड़ेगा तो ये कंप्लीट बन जाएगा, कंप्लीट सॉरी हलंत नहीं आएगा, हलंत मैंने लगा दिया गलत हो गया। छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेगी संधि के लिए। अब बना दो, इसमें स्टार्टिंग में तो कुछ दिए नहीं हो, तो पहले स्टार्टिंग होगी गा से, गा इसके बाद में आएगा ये वाला ये गा ये, और लास्ट में ये क्या आ जाएगा, गायक, समझ में आया। ये है संधि करना, संधि करना। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, देखिए आपके पास दिया हुआ है रजनी प्लस ईस, ये देखो ईस में बड़ी मात्रा है, ये छोटी मात्रा, ये सब प्रैक्टिस है, ये तो करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए अब इसमें तो देखो, इसमें इन दोनों को लेके चलेंगे, इनको लेके चलें तो नए हलंत में क्या है, बड़ी ई है और इधर आ रही बड़ी ई, ई और ई जुड़ेगी, बड़ा और बड़ा जुड़ेगा तो बड़ी ई हो जाएगी, ठीक है। बड़ी ई का मतलब यहाँ पर मात्रा कौन सी आ जाएगी, ये वाली बड़ी वाली मात्रा आ जाएगी। अब ये वाली मात्रा आ जाएगी तो मैंने तुम्हें स्वर में वही संधि स्टार्टिंग में बताया है कौन सी संधि है, ये लो बड़ी मात्रा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में देखो ये बड़ी मात्रा हो जाएगी। तो चीज़ें पहचान आनी चाहिए कि कैसे करना है। तो अब इसमें नए हलंत में अगर आप ये बड़ी मात्रा जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, नए हलंत में अगर बड़ी ई की मात्रा जोड़ोगे तो नी बनेगा, नी बनेगा, और नी बनेगा तो आप क्या करोगे इसको, नी, ठीक है, नी बनेगा। तो अब इसका क्या बनाओगे, रज, रज, और इसमें बड़ी ई की मात्रा रजनी, और यहाँ पर श, रजनीश, रजनीश, समझ में आया कुछ। रजनीश, चलिए ये हमारी संधि थी, कौन सी संधि क्या थी, हमने 500 संधि की आज प्रैक्टिस की है, किस प्रकार के पेपर में प्रश्न आ जाते हैं, किस पैटर्न पर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने संधि के अंदर स्वर संधि
के पांचों भेद के एग्जाम्पल कर लिए। एग्जाम में कैसे पैटर्न पर प्रश्न आते हैं। संधि की पहचान करना आता है, संधि संधि विच्छेद करना आता है, और संधि करना आता है संधि। ठीक है, तीन प्रकार के पैटर्न पर प्रश्न आपको स्वर संधि के मिलेंगे। अब एक तरीके से मेरी तरफ से कंप्लीट आपको हो गई है स्वर संधि। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो आप भी इस कंप्लीट वीडियो का फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आगे शुरू करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो है ना, उसमें कुछ रूल्स हैं, थोड़ी हार्ड पड़ती है, इससे रूल याद करने पड़ते हैं। वर्णों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स घोष क्या है, ए घोष क्या है, ठीक है, ये चीज़ें अपने समझेंगे उसके अंदर। और व्यंजन है, स्वर तो 11 ही होते हैं, व्यंजन ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और उम्मीद है आप मेहनत करोगे, कंप्लीट कर पाओगे, उसके बाद हम विसर्ग को करेंगे। तो फिलहाल स्वर संधि कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।